है दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हमारा लेक्चर है अबाउट द गैस कांड। ठीक है, तो गैस कांड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, गैस कांड नहीं है बेसिकली। हम लोग हाँ गैस के बारे में जरूर बात करने वाले हैं, राइट। ठीक है, चलिए बात करते हैं वॉइड्स डिफेक्ट इन प्लास्टिक मोल्डिंग। तो वॉइड्स डिफेक्ट बेसिकली होता क्या है? ठीक है, अगर जनरली अगर बात करूं किसी प्लास्टिक मटेरियल या फिर आप बोल सकते हो प्लास्टिक कंपोनेंट के इम्प्रेशन के अंदर के मटेरियल को अगर फीड करूंगा, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ वॉइड्स या फिर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसका कुछ कारण होता है। ठीक है, देखो वॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, वॉइड्स बबल्स या फिर आप बोल सकते हो खाली जगह होती है। ठीक है, तो वो क्यों क्रिएट हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है, एयर ट्रैप्ड हो जाती है क्योंकि मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो भी केमिकल से बना होता है, राइट। ठीक है, तो किस तरह के कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं? देखो अगर जनरली बात करूं तो वॉइड, बबल और एयर पॉकेट के नाम से एक डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस होता है ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट में, आपको कुछ इस तरह से विजिबल रहेगा, नजर आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि भाई यही डिफेक्ट जो रहेगा वो किसी कलर्ड कंपोनेंट में भी आपको नजर आएगा, लेकिन बस उसका सेक्शन व्यू काटने पर ही आपको वो चीज पता चलेगी, राइट। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो बर्न मार्क, तो बर्न मार्क भी एयर ट्रैप्ड होने के कारण ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहे हैं, इसको ब्लैक स्पॉट भी बोला जाता है। तो ये कंपोनेंट के अपीयरेंस को खराब करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस कंपोनेंट में भी आपको बर्न मार्क दिख रहा है जिसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, राइट। तो ये कंपोनेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ये क्या था भाई, आपने क्या बताया है? बेसिकली इसका बताने का कारण है कुछ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कारण था। देखो व्हाट इज एयर वेंट, एयर वेंट होता क्या है? एयर वेंट बेसिकली क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिकली कुछ स्पेस या फिर एक स्लॉट बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसमें से हम लोग गैसेस को निकालते हैं, गैसेस को हमको निकालना होता है, ठीक है, मोल्ड के बाहर। ठीक है, जनरली मोल्ड का जो वेंट होता है या फिर एयर वेंट जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको मोल्ड वेंट भी बोला जाता है, इसका जो लोकेशन होता है वो कैविटी साइड पे दिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली बोल सकते हो कि जहां से मेल्ट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन से मेल्ट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मटेरियल को फ्लो करूं तो देखो यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो गैस पूरी तरह से आउट हो जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, फिर से अगर मैं देखूं कि किस तरह से भाई इसके अंदर मटेरियल फ्लो होगा तो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लास्टिक मटेरियल और अपोजिट डायरेक्शन पे गैस का आउट होगा, राइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्हाई नीड एयर वेंट, एयर वेंट की हमको जरूरत ही क्यों पड़ती है, उसका कारण बेसिकली देखो क्या है, फॉर अवॉइडिंग वॉइड्स एंड बर्न मार्क। वॉइड या फिर बबल को अगर अवॉइड करना है आपको और बर्न मार्क को अगर अवॉइड करना है फ्रॉम द मोल्डेड कंपोनेंट, तो आपको एयर वेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। ठीक है, फॉर द क्वालिटी प्लास्टिक पार्ट, अगर आपको प्लास्टिक पार्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो भी आपको एयर वेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हैं। बेसिक पैरामीटर ऑफ एयर वेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो बेसिक पैरामीटर को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ कंपोनेंट्स है ना, कुछ विड्थ और डेप्थ के बारे में और सेकेंडरी वेंट के बारे में। देखो तीन चीजें हैं, कंपोनेंट, प्राइमरी वेंट और सेकेंडरी वेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट है हमारा, राइट, और ये जो है ये प्राइमरी वेंट का विड्थ है, ये प्राइमरी वेंट का डेप्थ है। ठीक है, यह दिख रहा है सेकेंडरी वेंट का विड्थ और डेप्थ, राइट। ठीक है, अगर मैं इसको सभी को कंबाइन करूं तो यहाँ पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं 2 से लेकर 5 तक इसका लेंथ रहेगा जो कि प्राइमरी वेंट का डेप्थ है, सॉरी वेट है, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई 2 से लेकर 20 माइक्रोन तक क्या रहेगा, इसका डेप्थ रहेगा जिसके अंदर से गैसेस निकल सकती है लेकिन प्लास्टिक मटेरियल इसके अंदर से नहीं निकलेगा, राइट। ठीक है, और 200 माइक्रोन से लेकर जो 500 माइक्रोन तक है वो सेकेंडरी वेंट का डेप्थ है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमको गैसेस को निकालना है, गैसेस निकालने के बाद गैसेस फ्री है भाई, कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं विड्थ और डेप्थ के बारे में, क्योंकि पैरामीटर में किसके बारे में बात कर रहा है, विड्थ और डेप्थ के बारे में, राइट। ठीक है, एयर वेंट का लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई एयर वेंट का लोकेशन हमेशा कैविटी साइड पे हम लोग रखते हैं और वेंट शुड बी ऑन थिकेस्ट सेक्शन ऑफ द पार्ट। ठीक है, हमेशा कहाँ होना चाहिए, जो कंपोनेंट का मोटा पार्ट है, ठीक है, सेक्शन है वहां पर होना चाहिए और अपोजिट साइड ऑफ गेट लोकेशन होना चाहिए। ठीक है, एयर वेंट तभी आप गैसेस को अच्छी तरह से बाहर निकाल सकते हो और कंपोनेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं रहेगा, राइट। ठीक है, तो एयर वेंट जब भी हम लोग बनाते हैं ना तो उसको बहुत ही आराम से बनाना पड़ता है, राइट। देखो एयर वेंट डेप्थ डिपेंडिंग अपन द प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर एयर वेंट का डेप्थ डिपेंड करता है। कैसे, बेसिकली आपका यही क्वेश्चन रहेगा, बट व्हाई, क्यों डेप्थ मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर कैसे डिपेंड करे? देखो इसका आंसर ये है, वो है विस्कोसिटी। तो व्हाट इज दिस विस्कोसिटी, राइट। तो मटेरियल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये गाढ़ा होता है मटेरियल, राइट, तो यहाँ पर हम लोग डील करते हैं विस्कोसिटी के साथ।
जब विस्कोसिटी की हम लोग बात करते हैं तो विस्कोसिटी के कारण डेप्थ कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो मैंने कुछ प्राइमरी बेंड की डेप्थ ली है अलग अलग मटेरियल के लिए। तो एबीएस, पीसी, पीपी और पीवीसी मटेरियल मैंने लिया है, विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, राइट। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन रहेंगे, प्राइमरी बेंड की डेप्थ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो प्राइमरी बेंड का डेप्थ जो एबीएस के लिए रहेगा वो रहेगा 25 से लेकर 38 माइक्रोन तक, ठीक है, पीसी के लिए जो रहेगा वो 38 से लेकर 68 माइक्रोन तक, तो पीपी के लिए जो रहेगा वो 13 से लेकर 30 माइक्रोन तक, और पीवीसी के लिए सबसे कम है 13 से लेकर 20 माइक्रोन तक। ठीक है, मतलब पीसी के लिए अगर मैं एयर बेंड डिजाइन कर रहा हूं तो उसके लिए मैं पीपी मटेरियल उसके अंदर यूज नहीं कर सकता, राइट। तो यहां पर ये चीज हमको पता चल रहा है, राइट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक मोल्ड है, तो ये मोल्ड बेसिकली किस कंपोनेंट के लिए है देखते हैं, ये हमारे पास इस कंपोनेंट के लिए मोल्ड है, ठीक है, विच इज द डस्ट पैन, जो कि डस्ट पैन है। ठीक है, इसके अंदर मटेरियल कहाँ पर, कहाँ से फ्लो हो रहा है भाई, मटेरियल का फ्लो का डायरेक्शन जो है वो ऊपर से है, राइट। तो इसके अंदर एयर वेंट कहाँ पर रहेगा, हम लोग चारों साइड पे एयर वेंट दे सकते हैं, ठीक है, कैविटी साइड पे देना है या कोर साइड पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, यहाँ पर कंपोनेंट की ज्योमेट्री के हिसाब से कोर साइड पे यहाँ पर मैं एयर वेंट को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एयर वेंट को डिजाइन कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि एयर वेंट किस तरह से डिजाइन किया जाता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक स्केच ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने स्केच ले लिया और यहाँ पर मैं एक एयर वेंट को डिजाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एयर वेंट, तो यहाँ पर इसका डेप्थ जो है वो 4 mm दे देता हूँ मैं, ठीक है। अभी बेसिकली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है, और इसका जो ये एंगल है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं भाई, ये देखो, ठीक है, 4 mm, और यहां से इसको और आगे ले जाते हैं भाई, यहां पर भी मैं इसको 4 mm ले लेता हूं, ठीक है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं यहां पर, और इसको थोड़ा सा यहां तक आगे ले जाते हैं, राइट, क्योंकि इसके अंदर से हमको इसको काटना रहेगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं इसको स्केच कर लेता हूं, और यहां से एक स्केच ले लिया, और यहाँ से इसको इस वाले पोर्शन को मैं ट्रिम कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमको, राइट। ठीक है, और यहाँ से इसको इसका कुछ डायमेंशन देते हैं, 35 मैंने डायमेंशन दे दिया सेकेंडरी वेंड, ठीक है, और यहाँ से इसको भी मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा, मिला दूंगा, राइट। तो ये रहा मेरा प्राइमरी वेंड डेप्थ, ठीक है। तो मैंने बोला भाई पीपी मटेरियल है ये, अगर पीपी मटेरियल है तो मुझे इसके लिए एयर वेंट का स्लॉट कितना देना पड़ेगा, मैं 20 माइक्रोन दे देता हूँ, ठीक है, जब क्योंकि मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने लिख दिया 0.20, राइट, तो 0.20 नहीं लेगा, 0.020, राइट, और इसको मैंने दे दिया नीचे, और यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम दिस कैविटी या फिर कोर, राइट। चलो अभी क्या नहीं हुआ यहाँ से, क्योंकि ये प्रोपोर्शन प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो मैं इसको भी नन कर देता हूँ, राइट, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, है ना। उसके बाद ये वाला जो सेकेंडरी वेंट है, इसको भी मैंने, सेकेंडरी वेंट को क्या करते हैं हम लोग, इसके स्केच को पकड़ते हैं, राइट, यहाँ से मैंने इसकी स्केच को लिया मैंने, राइट, 1, 2 और 3, और यहाँ से इस स्केच को मैंने ले लिया, ठीक है, और ये जो रहेगा वो रहेगा 0.5, और इसको नीचे साइड कर देता हूं मैं, और इसको कर दिया मैंने यूनाइट, ओके, यूनाइट विद दिस, है ना, क्लिक, ओके, ठीक है। अब यहां से इसको ज्यादा कंपोनेंट को हटा के देखते हैं, ये देखो जरा, ठीक है, तो ये बना बेसिकली प्राइमरी वेंट, ठीक है। तो प्राइमरी वेंट को इसके अंदर से मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये वेंट बनेगा, ठीक है, इसके अंदर से मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, एंड इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है आपको, दिस इज द प्राइमरी वेंट, सी ये रहा प्राइमरी वेंट। इस तरह से मुझे और प्राइमरी वेंट बनाना पड़ेगा, इसको मुझे कलर कोड भी कर सकता हूँ, राइट, तो मुझे यहाँ पर इसको कलर कोड करना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये शो करना है कि दिस इज द प्राइमरी वेंट, ठीक है, तो वो जरूरी है थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसको कलर कर दिया, और कलर इसको कर देते हैं भाई, ये कुछ इस तरह का कलर कर देते हैं, लाइक दिस, तो दिस इज द प्राइमरी वेंट, ठीक है। इस तरह से और भी प्राइमरी वेंट इसके अंदर देना रहेगा, और सेकेंडरी वेंट, तो इसको बोलेंगे एयर वेंट या वेंट, ठीक है। तो इसके चारों तरफ हमको इस तरह से वेंट स्लॉट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और वेंट स्लॉट कर क्रिएट करने के और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही तरीका है, राइट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।